स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल टेक विद हिमान। और आज हम इशू रिजोल्व करने जा रहे हैं साउंड स्लीक 8 स्पीकर में, जब हम कनेक्ट करते हैं HDMI केबल से या हम कनेक्ट करते हैं ऑप्टिकल केबल से। तो अगर आपको साउंड ग्लिच आ रहा है या आपकी साउंड ही नहीं आ रही है, साउंड टीवी पे आ रही है और कनेक्ट करने के बाद अगर स्पीकर के ऊपर भी आउटपुट नहीं आ रही है और टीवी पे भी आउटपुट नहीं आ रही है, तो सबसे पहले हमें टीवी में क्या चाहिए होती है, HDMI ARC पोर्ट। अगर आपके टीवी में HDMI ARC पोर्ट है तो स्पीकर के ऊपर आउटपुट जरूर आएगी। सेकंड, मैं पहले आपको ये अमेज़न प्राइम चला के दिखाता हूँ। ये आउटपुट है मेरे टीवी की। अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ अपने स्पीकर से, तो मैं जैसे ही HDMI केबल अपने इस पे लगाता हूँ, सी मेरे टीवी की आउटपुट भी बंद हो गई है और स्पीकर की भी, और स्पीकर के ऊपर मेरा HDMI आउट मोड है। सो मैंने HDMI सिलेक्ट किया हुआ टीवी पे। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, गो टू योर टीवी, इट इज नॉट स्पीकर प्रॉब्लम, ये स्पीकर का इश्यू नहीं है। गो टू टीवी साउंड सेटिंग, सो गो टू सेटिंग, गो टू साउंड, एंड ये मेरा सैमसंग का टीवी है तो इसमें होती है एक्सपर्ट सेटिंग और चेक सेटिंग अकॉर्डिंग टू योर टीवी। इसके अंदर हमारा है डिजिटल आउटपुट ऑडियो फॉर्मेट, ये आजकल हर स्मार्ट टीवी में एक ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे हमें PCM रखना होता है, अगर यहाँ पे ये ऑटो होगा तो मेरी आउटपुट नहीं आएगी। अगर मैं इसको चेंज करके वापस ऑटो कर दूंगा तो ये आवाज यहाँ से चली जाएगी। सो अगेन गो टू साउंड सेटिंग, साउंड एक्सपर्ट सेटिंग इन सैमसंग टीवी डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट ऑटो। अगर ये यहाँ पे ऑटो पे होगा तो साउंड HDMI पे या ऑप्टिकल पे नहीं आएगी दोनों केस में। अगर यहाँ पे PCM होगा तो ही मेरी आउटपुट आएगी। सी अभी ना आवाज टीवी से आ रही है ना स्पीकर से आ रही है, सेम मेरे को चेंज करना है सेटिंग, एक्सपर्ट सेटिंग एंड डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट को PCM। PCM करते ही हमारी आउटपुट हो जाएगी। सो ये जो एक सॉल्यूशन है, ये हमारे तीन चीजों का सॉल्यूशन है, ग्लिच का, अगर ऑप्टिकल पे साउंड आए तो भी और HDMI पे साउंड आए तो भी, तीनों केस में हमें टीवी के अंदर PCM सेट करना है, डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट। थैंक यू। एंड साउंड विल कम परफेक्टली। Please subscribe my channel for more videos. Thank you.